हॉस्पिटल साथी दिल्ली से ना आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सबसे धीरे एक साथ। डॉक्टर गौरव गर्ग है मेरे साथ जो कि कंसल्टेंट है यूरोलॉजी। डॉक्टर मेरा नाम डॉक्टर गौरव गर्ग है, मैं एक यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं स्मार्ट हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली से आया हूँ और मेरा जो प्राइमरी काम है वो यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी और मेंस हेल्थ की फील्ड में है। अक्सर ये देखा गया है कि यूरोलॉजी के पेशेंट्स आज की डेट में काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हमारा आने का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि हम एक हाई एंड क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें, पेशेंट को एक डायग्नोसिस दें, सही डायग्नोसिस दें और जो लेटेस्ट हमारे मैक्स हॉस्पिटल में क्या है कि लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास लेटेस्ट सर्जरीज अवेलेबल हैं। जैसे स्टोन के लिए अक्सर देखा गया है कि जम्मू जैसे एरिया में लेटेस्ट इक्विपमेंट जैसे लेज़र सर्जरी है, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है, लेज़र प्रोस्टेट की सर्जरी है, ये अवेलेबल नहीं है। तो हमारा सेंटर है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और लेज़र स्टोन सर्जरीज, लेज़र प्रोस्टेट सर्जरीज। जहाँ तक यूरोलॉजिकल कैंसर्स की बात की जाए, प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसके लिए आजकल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, रोबोटिक सर्जरी आ गई है। तो हमारे सेंटर पे लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी डाविंची सिस्टम अवेलेबल है और हमने सक्सेसफुली मोर देन 200 पेशेंट्स की सक्सेसफुली रोबोटिक सर्जरी की है अपने सेंटर पे। तो हमारा सेंटर एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर है इन लेटेस्ट। और एक हमारा एरिया और है मेल इनफर्टिलिटी और मेंस हेल्थ। तो हम लोग मेल इनफर्टिलिटी और मेंस हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे वेरिकोसील है, किसी को बच्चे नहीं होते, मेल्स में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है या स्पर्म की कमी है, तो हम लोग उस लाइन की भी ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे पास लेटेस्ट मैक्स हॉस्पिटल में लेटेस्ट माइक्रोस्कोप अवेलेबल है जिससे कि हम काफ़ी सारी सर्जरीज बहुत सोफेस्टिकेटेडली करते हैं, पेशेंट को इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता, छोटा हॉस्पिटल स्टे होता है और रिकवरी भी बड़ी फास्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पर कंसिस्टेंटली पिछले काफ़ी टाइम से महीने के आखिरी शनिवार को साकेत मैक्स हॉस्पिटल। तो न्यूरोसर्जरी का मतलब बाई एंड लार्ज ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी होता है, तो हालांकि ये तो आप सब समझते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव ब्रांच है ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, तो इस हिसाब से मैक्स हॉस्पिटल साकेत देश के लीडिंग सेंटर्स में से एक है फॉर न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है बिल्कुल मॉडर्न लेटेस्ट इक्विपमेंट है, माइक्रो सर्जरी हो ब्रेन ट्यूमर्स की, माइक्रो सर्जरी हो ब्रेन एनुरिज्म्स की, उन सब के लिए हमारे पास हाई एंड माइक्रोस्कोप्स, एंडोस्कोपी हो उसके लिए हमारे पास हाई एंड एंडोस्कोप्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ब्रेन ट्यूमर को प्रिसाइसली लोकलाइज करने के लिए इमेज गाइडेंस नेविगेशन की जो सिस्टम है वो सब अवेलेबल है, जिनसे छोटे से इंसिजन में, एक लोकलाइज इंसिजन में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हम कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस स्पाइन सर्जरी की भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कंप्यूटर गाइडेड ओआरएम सिस्टम जो होता है जो कि बहुत कम सेंटर्स में होता है, स्पाइन में स्क्रू बिल्कुल इससे एक्यूरेटली डाले जा सकते हैं, वो भी हमारे पास प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेन स्पाइन सर्जरी के एक अपना डेडिकेटेड आईसीयू भी है जिसमें इन पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी के बाद मैनेज किया जाता है, राउंड द क्लॉक उनको मॉनिटर किया